नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं UPSC यानी कि IAS और IES जो है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, और भी बहुत सारी सर्विस में यानी कि UPSC ने एक नया नियम जारी किया है, उसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, कई बार क्या होता है, एक से अधिक कैंडिडेट के बराबर मार्क्स होते हैं, फिर उस टाइम पर जो है सिलेक्शन करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों आइए, तो जो है नया नियम क्या है, जैसे यदि आप मान के चलो सिविल सर्विस या फॉरेस्ट सर्विस में एक से अधिक स्टूडेंट के इक्वल मार्क्स हैं, तो उनका देखिए उसके बाद में फिर किस आधार पे उनका सिलेक्शन किया जाएगा। तो फिर दूसरा, तो फ्रेंड सेकंड उनका देखा जाएगा कि जो है कंपलसरी पेपर में और PT में मार्क्स किसके ज़्यादा हैं उसको लिया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों दूसरा ऑप्शन जो है एज, फिर यदि ये दोनों भी सेम मिलते हैं तो एज भी इनकी देखी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, वही फ्रेंड्स यदि हम बात करें जो है इंजीनियरिंग सर्विस की, तो फ्रेंड इसमें देखिए यदि दोनों के मार्क्स बराबर हैं एक से अधिक कैंडिडेट के, तो फ्रेंड इसमें मार्क्स देखे जाएंगे सब्जेक्ट टेक्निकल पेपर प्लस, यानी कि उसमें जो है टेक्निकल पेपर और सब्जेक्ट इनमें जो है मार्क्स देखे जाएंगे PT, और दूसरा चीज़ उनकी एज देखी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये LDC एग्जामिनेशन वगैरह, इसमें फ्रेंड्स एज देखी जाएगी स्टेनोग्राफर वगैरह ये सब में। और फ्रेंड्स ये कुछ और भी जॉब हैं जैसे कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन थ्रू इंटरव्यू ओनली, तो इसमें दोस्तों ए